कि किस्मत का कितना किरदार है आपकी जिंदगी के मामलात में, यानी कि मैं इसको यूं अगर आम लफ्जों में कहूं कि जो आपके साथ हो रहा है क्या वो 100% लिखा हुआ है या आपका उसमें कोई अमल दखल है या नहीं है। तो आपसे शुरू करते हैं। किस्मत कोई चीज नहीं होती, वो इंसानों ने खुद बनाई हुई है, अपनी जो है ना ड्राइव की हुई है। जैसे लैंग्वेज से हो जाता है ना, तीन चीजें होती है, तकदीर, नसीब और मुकद्दर। ठीक है, बस ये तीन चीजें हैं जिसका जिक्र होता है, यानी कि जो ऑथेंटिक है। बाकी वो इनमें से इनका मिक्सचर बन के जो है ना वो किस्मत का लफ्ज आ गया। क्या हो गया कि किस्मत में ऐसा था, वो नसीब, तकदीर और वो जो है वो फर्क है, मुकद्दर जो है। ये बगैर क्योंकि मेरी एथियस से भी बड़ी डिस्कशन होती रहती है, उनसे भी बड़ी बहस होती है। मैं कहता हूँ कि यार इस दुनिया में कोई एक ऐसी चीज बता दें जो किसी ने डिजाइन ना की हो, जो क्रिएट ना की हो, उसका कोई क्रिएटर ना हो, जो खुद से हुई हो। तो रीजन होता है, रीजन भी क्रिएट करता है चीजें कि जी बादल पानी मिला और ये सारा बारिश तूफान आ गया ब्ला 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 सारा। तो वो रीजन होते हैं ना कुछ, जिसकी वजह से होता है, बगैर रीजन के खुद से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो कि आप जहां पैदा हुए वो आपके इख्तियार में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और आप शुरू और एंड ले लें, और जब आप मरेंगे आपने कहां मरना है, किस वक्त मरना है, वो आपकी चॉइस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब स्टार्ट और एंड नहीं है आपका, तो बीच की तो चीज वैसी आपके हाथ में। चले अब हम बीच को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें आज का नौजवान हाउ ही लाइक रिएक्ट, और यू कैन से कि किस तरह वो अपनी जिंदगी को आगे लेके चले, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ लिखा हुआ प्लान है, तो बैठ जाएगा बिस्तरे पे जाके लेट जाएगा कि ठीक है जी सब कुछ प्लान है। आप बैठ के देख लें, जो आपको मिलना है वो आप तक पहुंचेगा। देखिए अब बहुत सारे क्या वाकया मैं आपको बताऊं, एक अजीब सा। तो अगर हम हमारे अपने रिलीजन से, इस्लाम से अगर हम इसको जोड़ सकें, कोई ऐसा वाकया आपके जहन में आता हो जिसे आप अपनी इस सोच को प्रूफ कर सकें? देखिए मैंने कुरान भी पढ़ा और उसके अंदर मैंने अपना वो भी डाटा भी इकट्ठा किया, नोट्स भी बनाए। अच्छी बातें होती हैं, आप जारी बातें, क्योंकि वो ऑथेंटिक किताब है। तो उसके अंदर एक वाकया है हजरत खिजर का और हजरत मूसा का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमर हमदानी, और आज मैं कुछ लेकर आया हूं खास आपके लिए। और पाकिस्तान से अब मैं बैठा हूं, हमेशा मैं कतर से लाइव बैठता हूं या कतर से करता हूं शो, आज मैं पाकिस्तान से बैठा हूं क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे टीचर भी हैं और मेरे दुखों के साथी भी हैं। तो और क्रिएटिव साइड हो या वैसी जिंदगी के मामला, तो इनसे एक ऐसी डायमेंशन मुझे मिलती है जिसको जिस जो इस स्पेस में नहीं होती, वो डायमेंशन किसी और स्पेस से जाके निकलती है, लेकिन अलबत्ता वो डायमेंशन इस स्पेस में आके इस स्पेस के मसले हल जरूर कर लेती है। खैर मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा सैयद नेनी साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे लंबा इंट्रोडक्शन सो गया था सो गए थे एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो अब आपका होगा। अच्छा। पहले तो जस्ट ये था कि मतलब हीद बांधी थी, आपने एक्सपेक्टेशन लोगों की ज्यादा बढ़ा दी है। बिल्कुल बढ़ा दी है, क्योंकि देखिए आपको मैं कब से चाह रहा था कि मैं काबू कर लूं, आपसे कोई बात कर लूं, लेकिन हाँ आपको ये डर था कि जब आप काबू हो जाएंगे तो मजमून पे काबू हो जाए, ज्यादा बोल देता हूँ मैं, ज्यादा बोल देते हैं। तो लेकिन इधर ये चीज अच्छी है कि आप ज्यादा बोल सकते हैं, आपको इजाजत है, बिल्कुल खुल के बात करेंगे। तो आज का हमारा मजमून जो कि जिसपे हम डिस्कस कर रहे थे तो वहीं से निकल आया, और हमेशा जब से मैं आपको जानता हूँ हमारी इस पर बहस होती है अमूमन, और मेरा इस पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, आपका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दो कॉन्सेप्ट वो हैं जो अमूमन लोगों के होते हैं, मतलब ये दो वही कॉन्सेप्ट है जो जनरल लोगों के भी होते हैं, आइदर दिस वे और आइदर दैट वे। तो मैंने सोचा इस पर डिस्कस करते हैं, बल्कि आपका भी इस पर सजेशन यही था कि यार यही पहला टॉपिक होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है जी कि किस्मत का कितना किरदार है आपकी जिंदगी के मामलात में, यानी कि मैं इसको यूं अगर आम लफ्जों में कहूं कि जो आपके साथ हो रहा है क्या वो 100% लिखा हुआ है या आपका उसमें कोई अमल दखल है या नहीं है। तो आपसे शुरू करते हैं। अच्छा इसमें ना, इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस्मत कोई चीज नहीं होती, वो इंसानों ने खुद बनाई हुई है, अपनी जो है ना ड्राइव की हुई है। जैसे लैंग्वेज से हो जाता है ना, तीन चीजें होती है, तकदीर, नसीब और मुकद्दर।
ठीक है, बस ये तीन चीजें हैं जिसका जिक्र होता है, यानी कि जो ऑथेंटिक है, बाकी वो इनमें से इनका मिक्सचर बन के जो है ना वो किस्मत का लफ्ज आ गया। ये क्या हो गया जी, किस्मत में ऐसा था, वो नसीब तकदीर और वो जो है वो फर्क है मुकद्दर जो है। अब दुनिया में जो भी आप टॉपिक शुरू करेंगे, बहस होगी, वो आगे इन दी एंड इस पे खत्म होगी, और फिर वो सवाल अनसॉल्व रह जाते हैं, क्योंकि आधी दुनिया जो है वो मानती है कि नहीं आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, आधे लोग कहते हैं नहीं जी ये सब कुछ लिखा हुआ है, हम तो बस करे जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं हाँ, और वो कहते हैं जी फिर इसमें हमारी फ्री विल क्या है। तो वो असल में ये जो कायनात जिससे बनाई है रब जो है ना, उसने बड़ी जबरदस्त गेम बनाई है, और इसमें बड़े लोगों का, हज़रत अली का भी एक कॉल में कहीं पढ़ रहा था कि ये जो आप ग्लास रखें उससे पानी भरे, ये ब्रेन है आपका, और ये जब तक ग्लास होगा वो फुल हो गया तो फुल ब्रेन है, लेकिन जो कायनात है वो ये पूरी यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में एक ग्लास की हैसियत है, आप वो एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, वो जा ही नहीं सकते वहां तक, इतनी बड़ी है वो जो है। और अब साइंस तरक्की कर रही है तो ये बात नजर भी आ रही है कि वसत कितनी डिस्कवर्ड ही रही, तो वो आप पहुंच ही नहीं सकते। तो अब जो भी आप बात शुरू करेंगे वो यहां आ जाएगी, और फिर उसके बाद वो अनसॉल्व रहेगी क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं। मैं ये समझता हूं कि जब आप जो हम दुनिया में हैं, हमें ये लगता है बड़ी सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला है वो सब कुछ कर सकता है, हम सारे मुसलमान हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ और न्यूट्रल उसमें भी करूंगा रिलीजन को साइड रख के, बट एक क्रिएटर तो है ना जिसने ये दुनिया बनाई है, बगैर क्योंकि मेरी एथियस्ट से भी बड़ी डिस्कशन होती रहती है, उनसे भी बड़ी बहस होती है, मैं कहता हूँ कि यार इस दुनिया में कोई एक ऐसी चीज बता दें जो किसी ने डिजाइन ना की हो, जो क्रिएट ना की हो, उसका कोई क्रिएटर ना हो, जो खुद से हुई हो। तो रीजन होता है, रीजन भी क्रिएट करता है चीजें कि जी बादल पानी मिला और ये सारा बारिश तूफान आ गया बला 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 सारा, तो वो रीजन होते हैं ना कुछ, जिसकी वजह से होता है, बगैर रीजन के खुद से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका क्रिएटर का होना जरूरी है। ठीक है, अब बात बड़ी सिंपल सी थी कि ये मेरा मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरा मेरी अजम्पशन है कि भाई अल्लाह ताला ने सोचा मैं एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाऊं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो सब चीजें बेहतरीन हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आने के लिए मैं एक और दुनिया बनाता हूं जहां से मैं उनको टास्क दूंगा और जो पास होंगे वो उस पे आएंगे, नहीं मेरे मुंतखब लोग इसके अंदर आएंगे। तो वो आपने हेवन बना दी और ये आपने अर्थ बना दी, इसमें से आप ये आप अर्न करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब वो एक पूरी गेम, और इसके अंदर ये है कि क्रिएटर ने ऐसी चीज बनाई कि आप इस दुनिया में जो भी कॉन्सेप्ट है आपका, जो भी रिलीजन है, जो भी बिलीफ सिस्टम है, आप वो बिलीव करेंगे तो वर्क करेगा। इतनी परफेक्ट चीज बनाई है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल आप कर सकते हैं, जैसे हिंदू किसी बुद्ध की पूजा करता है, उसका अपना बिलीफ सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए वो वर्क करता है, उसको चीजें जो दुआ मांगता है या कोई ख्वाहिश करता है उसको मिल जाता है, तो वो तो और पक्का हो गया उसके लिए। तो ये एक मजेदार चीज है कि आप जो सोच सकते हैं वो आएगा। हाँ, उसने एक बुक ऑफ रूल्स दे दी, किताब उतार दी, इसमें ये है जाब्ता हयात है, तो आपने इस तरह से रूल्स चलेंगे तो आप इधर आ जाएंगे। और सबसे बड़ा जो जो सब में कॉमन है वो ह्यूमैनिटी है। अब बात सारी है, जब हम उसकी बात करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो मेरा बड़ा सिंपल सा है कि आप जहां पैदा हुए वो आपके इख्तियार में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और आप शुरू और एंड ले लें, और जब आप मरेंगे आपने कहां मरना है, किस वक्त मरना है, वो आपकी चॉइस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब स्टार्ट और एंड नहीं है आपका, तो बीच की तो चीज नसीब आपके हाथ में। चले अब हम बीच को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप जिस घर में पैदा हुए, तो और जिन माँ बाप के घर पैदा हुए, वो माँ बाप जो थे वो कितना बड़ा घर अफोर्ड कर सकते थे, वो कौन सा मोहल्ला अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि आप उस घर में हुए, फिर आपकी जो इनिशियल तालीम है वो आपकी माँ
की गोद होती है जो आपको तालीम देती है आपके घर का, उस जिससे आपकी एस्थेटिक्स बनती है, जिससे आपके नॉर्म्स बनते हैं, जिससे आपका कल्चर बनता है, जब आप बड़े होते हैं तो फिर आप फैसले उन चीजों की बुनियाद पे करते हैं, और वो फैसले जो है ना, फिर अगर आप गुलशन इकबाल में कराची में चले जाओ तो गुलशन इकबाल में पैदा हुए या डिफेंस में पैदा हुए, या आप लाहौर में डिफेंस में, गुलबर्ग में पैदा हुए या इचरे में पैदा हुए, तो फर्क होगा ना। अगर आप इचरे में पैदा होंगे तो आप बिल्कुल, या आप कराची में लियाकताबाद में पैदा होंगे तो आपकी डिफरेंट साइकी होगी, और आप किन के घर पैदा हुए हैं, उनके कस्टम्स क्या है वो आप लेंगे, फिर आप जिस, वो माँ बाप आपको जिस स्कूल में दाखिल कराएंगे आपकी चॉइस का स्कूल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो अम्मी ने आपको कपड़े पहनाया आपकी चॉइस नहीं थी, एटलीस्ट कम से कम फिफ्थ क्लास साल तक तो, हाँ दस फिफ्थ सिक्स क्लास तक तो आपकी नहीं थी कि अम्मी ने जो जो अफोर्ड कर सकते थे वो लेके दे दिया, आपने कर दिया। मैट्रिक तक या ओ लेवल्स तक आप जो है वो अम्मी के रहमो करम पे चल रहे थे, या अब्बू की उस पे के क्या अफोर्ड कर सकते थे वो, और उन्होंने किस स्कूल में आपको दाखिल किया, फिर आपके उस मोहल्ले के दोस्त जो बने उनसे आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, घर से आप ले रहे हैं, जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां से आपको नॉलेज मिली, आपकी पर्सनैलिटी शेप अप हो रही है। लेकिन मेरे इसमें एक सवाल है छोटा सा, जी जी, मैं आपको, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो एक उस तरफ जहां गुफ्तगु जा रही है, मैं उसे डिनाय भी नहीं करूं, डिनाय तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे 100% एग्री भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम इसी चक्कर को समझ जाएं या अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हम एफर्ट करना ही छोड़ देंगे, हमें फिर हमारे एफर्ट का क्या, क्योंकि सब कुछ तो प्लान है। देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा एक जवाब है, आपको जिंदगी में जो भी सक्सेस मिली वो आपको लगता है कि आपकी अपनी एफर्ट्स, सारी अपनी एफर्ट्स से मिली। बहुत सी दफा आप ऐसे बैठे होंगे, कॉल आई होगी, और 100% मैं नहीं कह सकता, तो फिर वो फिनोमेना क्या है। लेकिन उसमें फिर मेरा एक और भी है कि जैसे मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैंने एक मरीज देखा जाके, ठीक है, पहला मरीज मुझे कहीं से फोन आ गया, मैंने देख लिया जाके, बट आई ट्राइड माय वेरी बेस्ट, वो ठीक हुआ, उसने मुझे आगे एक और मरीज दे दिया, बट वो जो मैंने जाके मरीज ट्रीट किया उसमें तो मेरा एफर्ट है ना। बिल्कुल। उसको किस तरह फिर डिफाइन करेंगे इस सिस्टम में, पहला फोन कहां से आया था? चलिए, पहला फोन देखिए, ये इसलिए कह रहा हूं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि वो बिग बैंग के नैनो सेकंड्स तक पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा है। बट मेरा सवाल है, वो किया किसने, वो हुआ कैसे, किस वजह से हुआ, वो बता देना। तो वही वाली बातें, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, ठीक है, बट यही ब्यूटी बनाने वाले की कि आप सारी जिंदगी भी डिबेट करते रहे इस पे, वो खत्म नहीं होगी, इट्स जस्ट दैट कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। अच्छा, इसमें अब मुझे ये बताएं, जो आपने एक हमारे सामने जिसको मैं कहूं मुद्दा खड़ा किया है, इसमें आज का नौजवान हाउ ही लाइक रिएक्ट, और यू कैन से कि किस तरह वो अपनी जिंदगी को आगे लेके चले, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ लिखा हुआ प्लान है, तो बैठ जाएगा बिस्तरे पे जाके लेट जाएगा कि ठीक है जी सब कुछ प्लान है। आप बैठ के देख लें, जो आपको मिलना है वो आप तक पहुंचेगा। देखिए, अब बहुत सारे, मैं अब क्या वाकया मैं आपको बताऊं, एक अजीब सा, कि मैं उमरा करके आया तो मेरा एटीएम कार्ड जो था वो टूट गया था, और मैं सैटरडे को आया था, ठीक है, जेब में मेरे उस वक्त 1100 रुपए थे, 1000 रुपए मैंने, क्योंकि मैं क्लिफ्टन में ठहरता था, तो डीएचए में खड़ा मार्केट में फ्लैट था, तो मैं 1000 रुपए उसके किराए के दिए, 100 रुपए थे, तो मैं सो गया और सो गया, और उसके बाद, और मैं लाहौर से शिफ्ट हुआ था तो बहुत ज्यादा लोग जाने वाले वहां के नहीं थे, तो मैं सो गया 11 बजे, 11:30 बजे मेरी आंख खुली, मुझे भूख लगी, मैंने यार पीछे से सर्विस पूने कोई रोल पराठा मिल जाता है 100 रुपए का तो मैं वो खा लूंगा, तो मैं निकला और मैं जाके ऑर्डर दिया सिल्वर स्पून पे, और आ रहा था सामने उस प्लेट में ऐसे लग के ला रहा है, और मैं बैठा हूँ, भूख मुझे बड़ी लगी हुई थी। अब चूंकि सैटरडे था तो चेक भी मंडे को होना था, तो बैंक से पैसे निकल रहे थे, बस हाँ कम अज कम ये 2 दिन। तो वो एकदम एक बच्चा है, उसने मुझसे प्लेट पकड़ी ना ऐसे मेरे हाथ में थी, तो कह रहे हैं मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, छोटा बच्चा था। मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार अल्लाह ताला कहता है कि पहले अपना पेट भरो फिर दूसरे की हेल्प करो। तो मैंने सोचा, फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा जा ले जा, नहीं उसने वहीं खोला, वहीं नीचे बैठ गया, और कहने लगा मैं उसको देख रहा था और चटनी में मिला गया, भूख लगी थी तो ज्यादा
देखता रहा, फिर मैंने कहा यार देखूंगा तो और भूख होगी, तो मैं घर जाता हूँ तो मैंने सुना सिगरेट से भूख बैठ जाती है, तो मैं सिगरेट पी के सो जाता हूँ। तो मैं वैसे निकला गली से और आके मैं रुका, और एकदम मेरा एक दोस्त था, वो नहीं मैं गाड़ी रोकी, मैंने अंधेरी थी, वो गली और बिल्डिंग की तरफ मैं जा रहा था अपनी गाड़ी पार्क करके, एकदम गाड़ी आई, उसने उतरा बंदा, उसने कहा नहीं नहीं मैंने देखा उसकी तरफ, मैंने कहा ये कौन है गाड़ी वाला बंदा ना, वो मेरे एक स्कूल का दोस्त मंसूर, वो मुझे उससे कहा मंसूर मैं एकदम देखा 25-30 साल बाद में उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा तूने मुझे पहचाना कैसे, कहते देख, तो मैं हैरान हुआ, तो मिले खैर बड़े अरसे बाद, तो कहते मैं तुझे देख रहा था तू इधर जा रहा है, तो मैंने कहा यार ये इधर कहाँ गया है गली में ना, तो उसने गाड़ी में मुझे देखा था, उसने पीछा किया तो साथ ही मुड़ गया था, खैर उसने कहा चल हम खाना खाने जा रहे हैं आप साथ बोलिए, तो उसने बिठाया यार, मैं इतने अरसे बाद उससे, स्कूल का दोस्त मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, अरसे से मेहमानी थे, हाँ तो हम गए जी कुलाची गए, वहां पे वो दो दरिया उन्होंने ऑर्डर मछली मटन पता नहीं क्या क्या, वो एक रोल छोड़ के आपको अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, पूरा खाना शाना खाया हुआ है मुझे छोड़ा, वो जा रहे थे गुलशन में रहते थे कहीं दूर था निफेन, तो उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, तो उन्होंने कहा यार हम इतनी दूर जा रहे हैं, हमने क्या करना है तू ये थैले रख ले खाना जो था बचा हुआ, उतनी थैली इतना खाना यार उसमें मछली भी मटन भी कढ़ाई पता नहीं क्या क्या, हमने कबाब शबाब सब मंगवाए हुए थे, मैं लेके खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार ये देखे कुछ था नहीं दो दिन और एक हफ्ते का इतना आ गया है जो कि हमारे खाया हुआ था, बट मैंने कहा अच्छा तो मैं चलने लगा, तो मैंने उस तरफ अंधेरा था तो वहां बड़ा सा कचरे का वो था, तो एक बारिश बाबा जो था बड़ा साफ सुथरा वो उसमें कुछ ढूंढ रहा था, मैंने कहा बाबा जी क्या कर रहे हैं आप, तो एकदम वो हो गए कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसे ना, एकदम ये समझे यार ये कचरे में ढूंढ रहा है, तो मैंने कहा बाबा जी इधर है ये पकड़े, और ये मैंने उनको दे दिया, आपका वो देखे और निकल गए, क्योंकि उसने अंधेरे में था, मुंह सफेद पोश लोग होते ना मुंह भी छिपाते हैं कि यार हमें ना है, मैं चला गया, उसके बाद मैंने कहा सिगरेट पीता हूँ तो लाइटर नहीं था, तो मैंने कहा मैं पीछे जाके लाइटर ले लेता हूँ, तो मैं जाके जला लूंगा, क्योंकि सिगरेट तो एक ही थी, मैं इतना पीता नहीं हूँ, मैं गया गाड़ी में पीछे सिगरेट विगरेट जलाई, उधर से पानी की दुकान से वापस आने लगा, तो वो अभी भी रात के 2 बज रहे थे, तो सुनसान ही थी, तो वो जो रात को वहां झाड़ू मारते थे 3 लोग वो और 2 बाबे उनमें से एक वो वहां बैठे हुए वो खाना खोल के वो सब खा रहे थे, मैंने कहा यार ये कुलाची से चला है खाना इनको पहुंचा है, इन्होंने नहीं सोचा हुआ था बेस्ट खाना, तो इसमें सारे बात एक तो समझने की कि खाना कहां से शुरू हुआ, शुरुआत चला कहां, रिस्क कहां लिखा, किसका लिखा था, कहां गया, लेकिन मेरे से एक सवाल, अगर मेरी बात थोड़ी सी हो जाए, अगर तो मैं एक छोटा सा लम्हा मिस कर देता कि मैं वो रोल लेता और कहता नहीं यार मैं खुद ही खाऊं, मैं खाता वो गाड़ी गुजर जाती, मैं बाद में निकलता, वो मुझे ना देखते, इनको खाना ना मिलता, मोमेंट मैंने वो दिया और वो जो निकला हूँ उसी टाइमिंग में उन्होंने वो तो चलते हुए देखा, प्लान लाइक दिस लेकिन मेरा इस पर एक सवाल है सईद दीनी के, आप मुझे ये बताएं कि कितने ही ऐसे फॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनके साथ, मैं आपसे पूछता हूँ चलिए कितनी दफा लाइफ में ये होगा, आप कहेंगे 5 दफा, हर दफा नहीं आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है, हम उस तरह सोचते नहीं है, लेकिन मैं कभी भी ना, मेरे लिए तो कुछ भी, अगर मैं वैसे चल रहा था तो मैं कहता यार ऐसी मैंने दे दिया था जा रहा था तो मुझे दोस्त मिल गया, मैं कभी ना सोचता, लेकिन मैं उस पर फिर आऊंगा कि क्या आपने जैसे कहा कि हम बैठ जाए छोड़ के, इसको जस्टिफाई करें, मेरे इस पे मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हमारे नौजवान तो चाहते हैं काम ही ना करना पड़े, बैठ जाए वो आप बैठ नहीं सकते ना, आप समझ नहीं रहे, बैठना आपकी चॉइस नहीं है, आप बैठ ही नहीं सकेंगे भाई, मैं बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या बात हुई कि तुझे मैं चला जा ट्रक के सामने और खड़े हो जा, कहते मेरी तो लिखी हुई थी, मैंने कहा मैं जाऊंगा और मैं डर जाऊंगा, ठीक है वो अंदर है वो प्लांट है कि इससे नहीं मरना, तो इसके दिल में खौफ आएगा, आप जो कह रहे हैं ना ये सब बातें करते हैं, मैं कहता हूँ भाई वो भी लिखा हुआ होगा, तो अगर नहीं लिखा होगा तो आप बैठ के दिखा दें, आपके अंदर खौफ आएगा, कहेंगे नहीं यार मैं ऐसे बैठा रहूंगा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो उठ जाएंगे आप,
क्योंकि वही लिखा हुआ है। इसमें एक और सवाल है, हम इख्तिताम की जाने जा रहे हैं जी, फिर अगर हम रिलीजन से हम जोड़ते हैं थोड़ा सा इसको, अगर कोई मुसलमान पैदा हुआ है और कोई नॉन मुस्लिम पैदा हुआ है, बेइंग मुस्लिम यहाँ लोगों का हम सबका कॉन्सेप्ट है कि मुसलमान होना ऑब्वियसली हमारे लिए अफजल है नॉन मुस्लिम का, या एक चोर डाकू बन गया है, तो फिर इसका मतलब उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो ब्लैंड है कि उसने चोर डाकू बनना है। ये तो बड़ी आपने छोटी मिसाल दे दी है, बड़ी मिसाल दे देता हूँ। हिटलर आप सारी दुनिया उसको विलन समझते हैं, तो उसका पर्पस ही यही था, वो जिस काम के लिए भेजा गया था, देखें बुरा इवल नहीं होगा तो गुड की पहचान नहीं होगी, इसका डिसीजन ऊपर वाले ने लेना है कि ये बुरा आदमी है सही आदमी है। वो आपको और मुझे नहीं बताना, जैसे देखें मैं अथॉरिटी नहीं हूं रिलीजन के ऊपर, मैं अपनी अपनी वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कंप्लीटली एंडोर्स, हाँ उसको उससे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अब मैं इसका समझाने के लिए कि एक कश्मीरी है इंडियन कश्मीर में फ्रीडम फाइटर है, वो मारा जाता है, ठीक है, हम कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर है, इंडियन कहते हैं वो टेररिस्ट है, तो आप किसकी मानेंगे, कौन है वो? ये वैसे ही है कि हम कह रहे हैं वो जन्नत में जाएगा, वो कह रहे हैं दोज़ख में जाएगा, यानी कि इधर आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, वो हमने बनाया हुआ है, हम लेबल कर रहे हैं, वो तो अपनी जॉब करने आया था, वो तो कर दी। यार ये आपके साथ जो ये पॉडकास्ट का सिलसिला मैंने शुरू किया ना, ये काम खराब होता जा रहा है, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं ना, मैंने कन्विंस होता है भाई, ये मसला है वो मैं इसलिए ज्यादा ना वो बात, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी एक्सपीरियंस से। देखिए बात करने का पर्पज ये था कि लोग इसको समझे, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो पर्पज है वो मैं ये नहीं कि हम मैं फिर कहूंगा कि हमारा इसमें मकसद बिल्कुल ही नहीं है कि हम ये कहेंगे घरों में बैठे, हमारा पर्पज ये है कि अपनी टेंशन और फिक्र को कम कर, राइट। देखें जो वो हजरत अली भी का कॉल है कि वो रिस्क और वो मौत आपको इसी तरह ढूंढती है, ठीक है, तो आपने मैंने क्या रखा, जो कि ये भी खैर हमारे इख्तियार में नहीं है क्योंकि हमारे डीएनए में है होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपके इख्तियार में कितना, अगर आपने सिर्फ वो सिर्फ इतना वो भी नहीं है, लेकिन आप अपने आपको कन्विंस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मैंने नीयत ठीक रखी, कि अगर मेरे पास कोई आया है और मुझसे मदद मांग रहा है या वो आया मुझसे कोई काम के लिए, उसको मेरी मदद की जरूरत है, मैं उसके साथ ऑनेस्ट रहूं और उसके साथ जो काम है ना वो ऑनेस्टी के साथ करूं। इवन कि जो आपने भी मुझे बताया सारा वाक्या, आपके ब्रेड रोल वाला वो इट्स डिपेंड ऑन द नीयत ना, आपने दे दिया कि दे दिया, मैं भूखा रह लूंगा बच्चे की, मतलब मेरी खैर है, मैं बच्चे को तो कर दूं ना, आपने वो चेन फिर कंप्लीट की जो पॉजिटिव चेन थी। हाँ लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो कुदरत ने मुझे बताया कि अगर आपको भी पूरा करेंगे और आपके तरफ से दूसरों को भी करेंगे, तो मैं तो वहां सजदे में गिर गया कि या अल्लाह ये तेरी गेम कितनी जबरदस्त, मतलब मैं पकड़ ही नहीं सकता। अच्छा सैयद नहीं, धोखे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम मजहब के ऊपर ज्यादा, इसलिए मैं मना करता हूँ अपने लाइव शोज में भी कि अपने सर पे ज्यादा बात ना करें उसकी, अनलेस कि वो कोई आलिम हो, अगर मैंने आलिम बुलाया फिर हम स्ट्रिक्ट टू मजहब होते हैं, फिर प्रोफेशनली हम होते हैं, क्योंकि वो उसका काम है, उसने स्टडी ज्यादा की है, अदरवाइज मैं उमूमन सबको कहता हूँ कि प्लीज कोर्ट मत करें। और एक बार हुआ भी ऐसे लाइव शो में खातून ने कर दिया कोर्ट, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बट फिर भी अगर इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा रिलेटेड टू ऐसा है कि जिसमें हमें मजहब के ऊपर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, तो अगर हम हमारे अपने रिलीजन से इस्लाम से अगर हम इसको जोड़ सकें, कोई ऐसा वाक्य आपके जहन में आता हो जिसे आप अपनी इस सोच को प्रूफ कर सकें। देखिए मैंने कुरान भी पढ़ा और उसके अंदर मैंने अपना वो भी डाटा भी इकट्ठा किया, नोट्स भी बनाए, अच्छी बातें होती हैं, आप जारी बातें क्योंकि वो ऑथेंटिक किताब है, तो उसके अंदर एक वाकया है हज़रत खिजर का और हज़रत मूसा का, कि वो उनसे मिलते हैं और वो जाके कहते हैं कि खुदा ने भेजा होता है कि भाई तुम उनसे मिलो कि तुम अपने आप को बड़ा ज़हीन समझते हो, तो वो उनके साथ चलते, तो उन्होंने कहा था हज़रत खिजर ने कि आपने सवाल नहीं करना, मैं स्किप करके आगे बता रहा हूँ जो असल टैक्स है उसका। हाँ तो वो साथ चलते जा रहे होते हैं, एक बच्चा उनको रास्ते में मिलता है, वो उसको कत्ल कर देते हैं हज़रत खिजर, तो वो हज़रत मूसा कहते हैं ये क्या किया आपने, मैंने कहा था सवाल नहीं करना आपने, ठीक है ना, वो फिर चुप हो जाते हैं और वो चलना शुरू जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर उधर दरिया पार करना होता है, कश्ती आती है, कश्ती में वो
बैठते हैं, पहले तो कोई उनको बिठा नहीं रहा होता, ठीक है, जा रहे, एक किश्ती वाला इन पे रहम खाता है, वो बैठ जाता है, वो दरिया पार करते सुराख कर देते हैं, सुराख कर देते, कहते हैं क्या किया, ऐसे तो हमारी मदद की थी, सब तो हमें दुत्कार रहे थे, तो कहते हैं यार सवाल नहीं करना, फिर आपको कहा है, फिर वो खैर बड़ा वो माफी तलाफी होती है, फिर वो जाते हैं, फिर वो एक घर कटकड़ाते हैं खाने के लिए, भूख लगी होती है तो एक घर के लोग जो है उनको धुतकार देते हैं, और वो जा रहे होते हैं तो उनके घर की दीवार गिर जाती है, वो उसको पक्का करके बना देते हैं, तो सवाल पूछते हैं कि ये क्या किया, ऐसे हमें धुतकारा, ना खाना भी नहीं दिया और हम इसकी मदद कर रहे हैं, फिर वहां वो फट पड़ते हैं, और वो फिर वो बताते हैं कि वो जो बच्चा था उसने बड़े होकर अपने माँ बाप का कत्ल करना था, वो इकलौता बच्चा था, अब उसको अल्लाह ताला और देगा, फिर वो कश्ती वाले के आगे जो है वो जंग के लिए किश्तियां ले रहे थे, तो इसमें अगर मैं सुराख ना करता तो वो इसकी किश्ती भी रख लेते, और इसके पास ये किश्ती थी जरिया माश जो था, तो वो फौजियों ने वो रख लेनी थी किश्ती, इसी तरह वो बच्चों जिनके घर गए दीवार गिरी, वो दीवार गिरी, उसमें बच्चों के माँ बाप ने, वो यतीम थे, उनका वो रखा हुआ था सामान सोना जो है वहां, तो वो गिर गई थी, तो वो पक्की करनी थी ताकि जब वो बड़े हों तो उनको मिलता, वरना अभी वो हो जाता, तो ये सब बातें खुदा को मालूम थी ना, ये वैसे ही बात है ना कि यार आपने ये इंटरव्यू करने के बाद घर जाना है या यहीं बैठ के हमने खाना खाना है, लेट सपोज, तो इस दो चॉइसेस है ना, इसमें से एक आप चूज करेंगे, आप ही कहेंगे खुदा को ये नहीं पता कि आप क्या करेंगे, उसको पता है ना कि आप क्या करेंगे, खुदा है क्रिएटर, अगर वो पता है तो फिर चॉइसेस हमारे लिए दुनिया में है, तो मेरा इस सारी इस जो वाकया था कुरान की जो उससे मेरी ये अंडरस्टैंडिंग निकली, मैंने ये समझा, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ ना मैं इस पे अथॉरिटी रखता हूँ, ये मैं भी कराची शिफ्ट हुआ कुछ महीने के लिए एक्टिंग ड्रामों के लिए, तो व्हेन आई वाज कमिंग बैक तो मुझे ट्रेन मैंने ली क्योंकि रास्ते में मुझे इलेक्शंस थे, वोट कास्ट करना था, इमरान खान आना था 2018 के बाद, तो मुझे ट्रेन में एक मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त मुझे मेरे बन गए सफर में मेरे साथ, आपको याद होगा आप केवलरी में जहाँ रहते थे उसके ऑपोजिट उनका घर था, आज भी उनको मिलते हैं, वो मुझे ट्रेन में मिले थे, तो उनकी वालदा, उन्होंने मुझे कहा मेरी वालदा को आपने ट्रीट करना जब आप लाहौर पहुंचेंगे, मैं आ रहा था मेरे को काम नहीं था 3 महीने क्योंकि मैं कराची शिफ्ट होकर आ रहा था, तो लाहौर के सारे मेरे मरीज खत्म हो चुके हुए थे, छोड़ चुका था, उनके तवासुल से मुझे आगे 8 और घर मिले, ट्रेन में ना सफर कर रहे थे, बायर आ रहे थे। खत्म था। और मैंने जाना ही बायर था, मैंने टिकट भी पता की थी सिर्फ इलेक्शंस की वजह से कि यार मैंने वोट कास्ट करना है, तो मैं और मैं वो मेरा फर्स्ट टाइम ट्रेवल था ट्रेन का, मैं ट्रेन से हम डरते हैं, मैं बस कर लेता हूँ प्रेफर, मैं ट्रेन में नहीं जाता, तो फर्स्ट मेरा ट्रेन का सफर था, सो दिस इज द थिंग, इसको आप सम अप कैसे करेंगे चंद अल्फाज में? देखिए मैं वही जो पहले बात जहां से शुरू की थी, जिसका जो कॉन्सेप्ट है अगर वो उस पर बिलीव करता है ना, वो उसके लिए वर्क करेगा, आपको जरूरत नहीं है कि आप इस कॉन्सेप्ट को माने, आपको लगता है मेहनत करके अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं, आप उसी पे रहें, तो ब्यूटी ये है कि जो बहुत सारे यार हिंदू भी तो हैं, मतलब जैसे खुदा कहता है कि यार मैं सब बर्दाश्त करूंगा लेकिन शिर्क करने वालों को नहीं करूंगा, वो तो शिर्क कर रहे हैं, ठीक है हमारे हिसाब से, तो उसी तौर पे तो उनको नहीं, लेकिन उनको भी रिस्क तो मिलेगा, रिस्क तो मिल रहा है, रिस्क का वादा किया और कामयाबी भी मिल रही है, सिर्फ रिस्क नहीं, रिस्क का तो वादा है, सारे लोग जो है वो काफी नहीं एग्जैक्टली, तो हम मैं तो कहता हूँ इस रिलीजन से ह्यूमैनिटी जो है ना, जो असल हर रिलीजन का जो एसेंस है वो ह्यूमैनिटी है, बिल्कुल, उसको एक्वायर करें, उसको समझें और उसको अपनाएं, तो रास्ते खुद ब खुद ही खुल जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है आप उस पर बिलीव करें, और नियत साफ, नियत साफ कि जो आपके साथ जो आपके पास आ रहा है बस आपने खुले दिल से ना उसके साथ ये नहीं कहना मैं इसको लूट लूं, मैं उसको वो कर लूं, ऑनेस्टी रखें, ये कुदरत आप कह रहे हैं कि मुझे यार 10 रुपए चाहिए और मुझे मेरे पास काम 1 रुपए का आया है तो मैं इस 1 रुपए वाले को फंसाता हूँ, इससे 10 रुपए निकलवाता हूँ तो वो मुझे मेरा मसला हल हो जाएगा, मैंने ये भी आपको बताया आप ट्रस्ट करें, आप वो सिर्फ 1 रुपए का काम करें, बाकी कुदरत फिर आपका ख्याल रखेगी, आपके 10 रुपए पूरे करेगी, बिल्कुल, ये बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट, और इसमें आखिर में एक छोटी सी बात कहूंगा कि आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट, मैं क्योंकि ज्यादातर आपको पता है मैं फ्रीलांसिंग में काम करता हूँ, मैं
क्लिनिक्स या हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता, कोलैबोरेशंस करता हूँ, तो मेरी दिहाड़ी वाला सीन होता है। समटाइम ऐसा होता है जिस मंथ मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार इस महीने तो पैसे अच्छे बन जाएंगे, उस महीने कम बन जाते हैं, जिस टाइम मुझे उम्मीद ही नहीं होती कि मेरा खर्चा चल जाएगा, उस टाइम मेरा खर्चा पूरा हो जाता चल जाता है। तो मैं इस पे बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत जरूर जारी रखें, लेकिन साफ नीयत के साथ, नीयत अच्छी रखें, स्ट्रगल जारी रखें। ये नहीं कि बस बैठ जाएं घरों में कि जी बस सब खुद ही हो जाना सब कुछ, तो मैं इस पे फिर भी कहूंगा कि नहीं, लेकिन ये है कि जो सैयद नीनी ने हमें बताया, हम उसको भी ऑब्वियसली ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दोनों मैं ये नहीं कहूंगा 100% सही है, या मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आपको अच्छा लगता है तो अपनाएं, नहीं अच्छा लगता तो हमारे हक में दुआ करते हैं। तो जी हम इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापस। थैंक यू।